तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी में बड़ा सहारा मिल रहा है। योगी सरकार ने मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए इंतजाम तो किए ही हैं, कई जगहों पर आपको बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों के बाद कहा गया है कि बच्चे परेशान ना हो, इस बात के तो इंतजाम है ही, साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों के भी इंतजाम है। सैकड़ों किलोमीटर के सफर में जाने कैसी कैसी दुश्वारियां झेल कर आई ये मासूम एक पल में सब कुछ भूल गई। खिलौने, बिस्किट, चॉकलेट मिलते ही मानो इसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। चेहरे पर छाई बड़ी सी मुस्कान बता रही है कि पिछला सब कुछ भूलकर ये इसी पल के इत्मीनान में मगन है। अच्छा, किसने दिया ये खिलौना? लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से देश भर में प्रवासी कामगारों के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कोई ट्रक से तो कोई रिक्शे ठेले से तो कोई पैदल ही अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ा। ऐसी ही मुश्किलें झेलकर ये परिवार भी साथ एमपी यूपी के बॉर्डर झांसी तक पहुंचा, लेकिन यहाँ जैसा बर्ताव हुआ उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। यहाँ 2-3 दिन से इधर ही पड़े हैं, बॉर्डर से आए हैं, तो इधर डीएम साहब ने खिलौना दिया, अच्छा लग रहा है। वहाँ खिलौने से बच्चों के टाइम पास होते हैं, अच्छा लग रहा है। मास्क पहने हैं आप? हाँ। मास्क किसने दिया? ये साहब ने दिया है। झांसी में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से मजदूर आ रहे हैं। इन्हें यूपी में आगे या एमपी में अपने घरों तक पहुंचना है, लेकिन अब तक ये लोग जिस पुलिस से बचते हुए सफर कर रहे थे, झांसी में वही इनकी मददगार बन गई। यहाँ सिक्योरिटी के अलावा जैसे इसमें महिलाएं बच्चे भी तमाम लोग आ रहे हैं, उसको साधन में भेजने के लिए कुछ समय लगता है, इतने बच्चे रोते हैं और, तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए हम खिलौनों मिलों का इंतजाम किया है। बिस्किट और खान पान भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उसके हेल्थ के दृष्टिगत रखते हुए मास्क का भी जितने हम बंटवारा कर पाए वो मास्क भी वितरण कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रवासी मजदूरों के लिए कैंप बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन के जरिए यहां तक पहुंचे लोगों को आगे के सफर पर बसों से पहुंचाया जाएगा। ये गांव वापस लौट चले हैं। नहीं मालूम कि गांव में सपने पूरे होंगे, शायद नहीं होंगे, पर वहां पे अपने तो होंगे जो इनकी मुश्किलों को थोड़ा कम करेंगे। और यहां पे गाजियाबाद के राधा स्वामी आश्रम में तमाम बसों का बंदोबस्त किया गया है, जहाँ पे अलग अलग रूट के लोगों को वर्कर्स को भेजा जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि घर लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसके आगे सारे इंतजाम छोटे पड़ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन कैंपों और बसों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ना उम्मीद होना पड़ता है। गाजियाबाद से मौसमी सिंह, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।